बुल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। ना सुने है कोई मेरी ये इल्तिजा, बन गई क्यों है ये जिंदगी एक वही तो पूछ रही हूँ। फिर आधी रात को घर आई हुई मेहमान के दरवाजे पे क्यों खड़े थे, बोलो बोलो। अब तो हमारे शाहीन थे, बाज थे हमारे, लेकिन बगावत की है आपने हमारे साथ। हाँ जी, आपके मेहमान तैयार है। अब ये कहीं नहीं जाएगी, यहीं रहेगी। इसके यहाँ रहने के लिए मुस्तकिल इंतजाम कर। तुमने ये क्या कर दिया? कोई माफी नहीं है इसके लिए, ना तुम्हारे लिए ना मेरे लिए। मैं तुम्हें रिहाई दिलवाने आई थी, तुमने मुझे ही कैद में डाल दिया। मैंने तुमसे कहा था ना, इतनी रात को कोई नोटिस नहीं लेगा। देखा, खबर दब गई। अल्लाह करे ऐसा ही हो। अच्छा चलो, ब्रेकफास्ट कर लो। मैंने तुमसे कहा था मैंने सिर्फ कॉफी पीनी है फरजाद। निसाब, थोड़ा सा तो खा लो यार। नहीं, जब तक कमी नहीं आ जाती मुझसे कुछ नहीं खाया जाएगा। अच्छा तो फिर एक पेकी ले लो, ताकि तुम्हारी अम्मी को पता चल सके कि तुम खाती पीती रहती हो। ओ, अच्छा तो आप ये प्रूफ करना चाह रहे हैं कि आप शेफ हैं और मैं यहाँ पे फ्रीलोडर बनके बैठी हुई थी। जी नहीं, थैंक यू वेरी मच। कम ऑन निसाब, की मेहनत से बनाया। नहीं, मैं बस कॉफी पीऊंगी। थोड़ा सा तो खा लो यार। नहीं। वही बात जो तुम समझ रही हो। नहीं बेबू, हाँ जी और ऐसी हरकत ये नहीं हो सकता। क्यों, हाँ जी मर्द नहीं है क्या? उनके पास किस चीज का कमी है? वो जब चाहे शहजादे याशी कर सकते हैं। वही तो पूछ रही हूँ। फिर आधी रात को घर आई हुई मेहमान के दरवाजे पे क्यों खड़े थे, बोलो बोलो। तुमने कोई ख्वाब देखा होगा। मुझे तो कोई पुराना दोस्ताना लगता है दोनों का। अब ये बकवास बीबी जान के सामने मत कर देना, वो तो पहले से सामान बांध के बैठा हुआ है। वैसे एक बात बताऊं, वो औरत जचती बहुत है खान जी के साथ। जब दोनों एक साथ खड़े होते हैं ना, तो ऐसे लगता है दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। अब ये बकवास बंद भी कर दो, ये सामान जल्दी से लेके जाओ और गुलसामा को भेजो। अच्छा। हर वक्त बोलती रहती है, मुझे तो इसका समझ नहीं आता है। खुद भी मरेगा, हमारे को भी मरवाएगा। बीबी जान, नाश्ता तैयार है, जब आप बोलेंगी लगा दूंगी। ठीक है। कुछ बताया उन्होंने? जी। क्या कहा उन्होंने? कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। कुछ और नहीं बताया? जब जरक जैसे लोग अपनी बीवी से कुछ छुपाते हैं ना, तो इसका मतलब होता है कि वो उसको परेशान नहीं देखना चाहते। किसी औरत का चक्कर है? नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं है। जिसने केस किया था उसने केस वापस ले लिया, बात खत्म हो गया, परेशान ना।
इसका मतलब है आप भी छुपा रही हैं हमसे। उन्होंने मुझे सिर्फ इतना ही बताया था। कोई बात नहीं, एक ना एक दिन आप बता ही देंगी हमें। आपकी अगली कहानी यही होगी ना, एक जवान खूबसूरत अमीर सरदार साहब और एक जवान जहीन खूबसूरत मगर गरीब लड़की, दोनों एक दूसरे के इश्क में गिरफ्तार। हालात, रिवायात, मजबूरियां, दोनों के बीच एक लंबी दीवार। दोनों का दोबारा 18-20 साल बाद आमना सामना। लड़की पढ़ लिख कर किसी अच्छी पोस्ट पर लग जाती है और फिर मोहब्बत की महरूमी अब नफरत में बदल गई है। अब अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करके वो इंतकाम ले रही है। कुछ ऐसी ही होगी ना आपकी अगली कहानी। आपको लिखना चाहिए, बहुत अच्छी कहानी बना लेती हैं आप। हम जैसी औरतें तो खुद कहानी बनती हैं, लिखते तो आप जैसे लोग हैं। ये खुदकुश हमला करने वाले लोग जो हैं, ये कैसे लगते हैं तुम्हें? जब वो दूसरों के जिस्मों के टुकड़े उड़ाने के लिए अपने जिस्मों के चिथड़े उड़ा देते हैं, तो क्या ख्याल है तुम्हारा, वो ठीक करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम भी कुछ इसी तरह कर रहे हो। तुम भी उन लोगों की तरह अपनी मर्जी दूसरों पे मुसल्लत कर रहे हो। मोहब्बत की है कभी तुमने? किसी से हुई है तुम्हें मोहब्बत, जिसे आजकल तुम लोग रिलेशनशिप का नाम देते हो, यही कहते हो ना? है किसी के साथ? छुपाओ नहीं मुझसे, तुमसे 1.5 साल बड़ा था मैं। जब पहली मर्तबा मुझे किसी से इश्क हुआ था, बोलो। नहीं बाबा, ऐसा कुछ नहीं है। इस कमरे में तुम्हें ये जो कुछ भी नजर आ रहा है, जो कुछ भी रखा है यहाँ, इन सब चीजों का ताल्लुक कुछ औरत से है। जब मेरा दम घुटने लगता है ना, तो मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर इस कमरे में आके बैठ जाता हूं। इतनी स्ट्रांग अटैचमेंट है मेरी उस औरत के साथ आज तक। उसकी याद है, वो खुद नहीं है मेरी जिंदगी में। इसकी वजह मालूम है तुम्हें? हमारे कल्चरल डिफरेंसेस। जज्बात और रवायात की जंग में हमेशा रवायात जीत जाती है। हमारे साथ भी यही हुआ। हम दोनों एक दूसरे के कल्चर को छोड़कर एक साथ तो रह सकते थे, लेकिन एक दूसरे के कल्चर के साथ नहीं रह सकते थे। ना वो ना मैं।
इसलिए इस घर में आज जो औरत रह रही है वो मेरे चचा की बेटी है, तुम्हारी मां। देखो बच्चा, ये जो कल्चर होता है ना, ये किसी पे इम्पोज नहीं किया जा सकता, ना ही अपनी रवायात किसी पे थोपी जा सकती है। ये तो इंसान की परवरिश के साथ साथ उसके मिजाज का हिस्सा बनती चली जाती है। दुनिया की सबसे ताकतवर चीज जो है वो इश्क है, और अगर इश्क इस कल्चर की दीवार जो हमारे बीच में खड़ी थी उसको नहीं गिरा सका, तो तुम्हारा ये छोटा मोटा गुस्सा इज यूजलेस, बेमानी है। खामखा इस दीवार पे बैठ के शोर मचाते रहोगे और कुछ हासिल नहीं होगा तुम्हें, टाइम वेस्ट करोगे अपना। तुम्हारी गैरत, शर्म और हया का मियार कुछ और है, और उस लड़की का कुछ और। जिस तरह तुम्हारी नजर में वो लड़की बेशर्म बेहया है, उसकी नजर में तुम सिर्फ एक जाहिल हो और कुछ नहीं। इसलिए तुमसे दरखास्त है कि इस दीवार से उतर आओ, प्लीज। आज के बाद अगर तुमने उसकी तरफ देखा तो याद रखना, तुम्हारी और मेरी जंग बराह रास्त शुरू हो जाएगी। फिर मैं ये हवेली छोड़कर उस मोहल्ले में जा बैठूंगा। निशा, तुम्हारा फेसबुक का क्या पोजीशन है? चिल करो यार, और आराम से बैठो, ये खाओ। मैंने तुम्हारी तारीफ क्या कर दी, तुम तो हर दो मिनट बाद किचन में से कुछ बना के ले आते हो। ये मैंने थोड़ी बनाया, ये वो मेरे बाप का जो कुक है ना, उसने बनाया। सिर्फ यही अच्छा बनाता है बस। नहीं, मुझे सिर्फ कॉफी का एक और कप ला दो। निशा, ये खा के दिखाओ। देखो, तुम्हारा शुगर लेवल वैसे ही बहुत लो हो रहा है, ये खाओगी तो थोड़ी एनर्जी मिल जाएगी, प्लीज। ओके, लेकिन सिर्फ एक। ठीक है। बस एक और। तुम्हारी मदर कैसी हैं? जी बेहतर हैं। तो कौन से हॉस्पिटल में? नहीं, घर आ गई हैं अब, तो वो ठीक हैं। अच्छा, मिलना चाहता हूँ मैं उनसे। डॉक्टर ने उन्हें कंप्लीट रेस्ट करने के लिए कहा है। अच्छा, ये तुमने बनाया?
जी। अच्छा, हमारा मुलाजिम तुम्हारी सही तारीफ करता है। वैसे और क्या क्या बना लेते हो? जो दिल चाहे। तो फिर कभी मुझे भी चखा दिया करो यार, मेरे भी मुंह का मजा थोड़ा सा बदल जाएगा। मैं फोन कर दूं। एक्सक्यूज मी बेटा, तुम्हारे घर का एड्रेस क्या है? नहीं अम्मी, अब ठीक है, उनकी तबीयत ठीक है बिल्कुल। अब मैं तुम दोनों के बारे में उनसे बात करना चाहता हूँ। लेकिन अभी हम लोगों ने डिसाइड नहीं किया है। तो फिर क्या सोच रहे हो तुम दोनों? अलग होने का ऑप्शन है तुम दोनों के पास? शादी एक अलग मैटर है। ठीक है बेटा, अब अगर किसी औरत को मैं इस घर में अपनी फ्रेंड बना कर ले आऊं तो मुझ पर एतराज मत करना। मुझे चलना चाहिए। प्लीज, इससे क्या फर्क पड़ता है वो किस औरत को इस घर में लेके आते हैं या नहीं लेके आते हैं? लेकिन मुझे फर्क पड़ता है क्योंकि मैं इस कल्चर में नहीं बड़ी हुई। तो फिर करो ना फैसला कि जिंदगी भर हमें साथ रहना है या नहीं। फरजाद, ये फैसला करने का वक्त नहीं है। तो इस तरह से यहाँ से जाने का वक्त भी नहीं है। यार तुम्हें कोई कुछ भी कह दे, तुम एकदम से डिटैच हो जाती हो। मैंने कहा था ना तुम्हारी एनर्जी लो हो रही है, प्लीज बैठ जाओ। मैं पूछ रहा हूं कि इसकी माँ कहाँ है? आप कहा ना इसने कि वो घर पर है। किसके घर पर? अपने या सरदार जरा खान के घर पर? अब ये कहीं नहीं जाएगी, यहीं रहेगी। इसके यहां रहने के लिए मुस्तकिल इंतजाम कर। तुमने ये क्या कर दिया है? कोई माफी नहीं है इसके लिए, ना तुम्हारे लिए ना मेरे लिए। मैं तुम्हें रिहाई दिलवाने आई थी, तुमने मुझे ही कैद में डाल दिया। किधर है तुम्हारी माँ? मैं पूछ रहा हूं कि इसकी माँ कहाँ है? आप कहा ना इसने कि वो घर पर है। किसके घर पर? अपने या सरदार जरा खान के घर पर? ये स्टोरी क्या है पढ़ो। किस्म की खबरें जो हैं अमूमन बैक पेज पर ही होती हैं, राइट एट द टॉप। आप अभी तक गए नहीं लाला। हमने नस्लों के पर काट कर आपके कदमों में रख दिए खान जी। पंजरे से निकल कर उड़ नहीं पाऊंगा खान जी। वो आप तो हमारे शाहीन थे, बाज थे, हमारे हमारे वालिद और हम अपने सीधे हाथ पर बिठा कर लोगों को दिखाया करते थे आप। लेकिन बगावत की है आपने हमारे साथ, आपने तो हमें ही खा लिया। आप मुझे मारते हैं क्योंकि इस घर से तो हमेशा हमारी लाशें निकली हैं, जीते जी तो कोई नहीं निकला। वो अरे आपको क्या मारेंगे हम लाला,
हम तो खुद अपनी लाश को अपने कंधों पे उठा के ले जा रहे हैं यहाँ से। जिस औरत को छोड़ आए थे हम, आज वही हमें अपने साथ लेकर जा रही है। वापस लौट कर नहीं आएंगे हम। फिर कब आएंगे आप? देखो, तो इसका मतलब है अब आप अपनी कहानियों में ही मिलेंगे हमें। मैं खुद को भी अपनी कहानियों में ही मिलती हूँ। तो फिर हमें आना पड़ेगा आपसे मिलने? पता है सर ने कहा जिंदगी इतनी मसरूफ है, क्या पता हम मिल ना पाए। इनकार कर रही हैं आप? हकीकत बयान कर रही हूँ। एक शर्त पे मिल सकते हैं, जब भी तुम मुझे मिलने आओ तो मेरी दोस्त बनकर आना, जरा खान की बीवी नहीं। नहीं, हम अपनी ये शनाख्त किसी कीमत पर नहीं खोना चाहते। हम तो खुद से भी जरा खान की बीवी बनकर मिलते हैं। हाँ जी, आपकी मेहमान तैयार है। अब ये कहीं नहीं जाएगी, यहीं रहेगी। इसके यहां रहने के लिए मुस्तकिल इंतजाम कर दो। तुम्हारी बेटी ने वो सारे रास्ते तुम्हारे लिए बंद कर दिए हैं जिनके चढ़ के तुम यहां से जा सकती थी। उसने पूरी दुनिया को बता दिया कि तुम मेरी बीवी हो। इसलिए बीवी होने के नाते अब तुम यहीं रहोगे हम सबके साथ। मारिया की बच्ची फोन क्यों नहीं उठा रही? अब क्या फायदा उसे फोन करने का? न्यूज लीक हो चुकी है, यहाँ पर जितने न्यूज चैनल्स हैं ना उनके पास न्यूज़पेपर्स भी हैं और उन्हें उनका पेट भी भरना होता है। क्या करे, ये न्यूज बस वहाँ ना पहुँच जाए किसी तरीके से। यार तुम एक काम करो, तुम अपनी अम्मी को फोन करो, पूछो वहाँ क्या सिचुएशन है, क्या हो गया है। लाओ दो फिर मुझे। यार मैं तुम्हारा कोई कजन बन के बात कर लूंगा ना, घबरा क्यों रही हो? निशा यूं कबूतरों की तरह आग बंद करने का क्या फायदा? जो भी कुछ हुआ है हमें उसे फेस करना होगा। पहुंच गई न्यूज़। कब भुगतो? हेलो हेलो निशा, हेलो निशा, प्लीज मुझसे बात करो।
निसा? I'm sorry. सर तुमने ये क्या कर दिया है? कोई माफी नहीं है इसके लिए, ना तुम्हारे लिए ना मेरे लिए। तुमने क्या कर दिया निसा? मैं तुम्हें रिहाई दिलवाने आई थी, तुमने मुझे ही कैद में डाल दिया। तुमने क्या किया? सर्टिफिकेट दे दिया उनको अपनी मलकियत का, इख्तियार दे दिया उन्हें। मैं तुम्हें नहीं बचा सकूंगी, ना मैं बचा सकूंगी ना तुम्हारा वो वकील। मैं यहाँ तुम्हारी रिहाई दिलवाने आई थी और तुमने मुझे ही कैद में डाल दिया। ये क्या किया निसा? अम्मी, अपनी इज्जत और गैरत का बदला ले लो। इस रुसवाई के बाद तो तुम्हें किसी को जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। सबसे पहली गोली मुझे मारो तुम, क्योंकि मैं तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन हूं, जिसने तुम्हारी शान में गुस्ताखी की है। और दूसरी गोली मारना उस औरत को जाकर, जिसने तुम्हारी रवायात को पामाल किया है, और फिर अपनी मां को गोली मारना ताकि सुकून से मर जाए वो, क्योंकि इसके बाद तो वैसे ही उसकी जिंदगी जहन्नम हो जाएगी। फिर जाके खत्म करना उस लड़की को, जिसके साथ तुम्हारा मसला सिर्फ इज्जत का नहीं है, अब जायदाद का भी है, जिसमें वो शरीक हो चुकी है। वो जायदाद जिसके नशे में धुत तुम लोगों की इज्जतों को रोंदते फिर रहे। फिर खत्म कर देना अखबार वालों को और उस अखबार के पढ़ने वाले सब लोगों को, ताकि तुम्हारी तरफ कोई आंख उठा के ना देख सके। क्या सोच रहे हो? चला गोली, खड़ा तुम्हारा मुजरिम तुम्हारे सामने। तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम्हारी वजह से। तुमने मुझे इस सिचुएशन में डाला यार। मेरी वजह से? मैं तुम्हें लास्ट टाइम तक रोकता रहा, तुम्हारे सामने हाथ जोड़े, लेकिन तुमने किसी की नहीं सुनी। अच्छा, तो न्यूज़ चैनल मुझे कौन लेके गया था? मैं खुद गई थी क्या? मैं लेके गया था तुम्हें? हाँ, मैं तो आराम से अपना मसला सॉल्व करने जरखान के घर जा रही थी खुद, लेकिन तुम मेरे रास्ते में आके खड़े हो गए। पागल, मैंने तुम्हें कहा था कि पुलिस स्टेशन चलो, वहां एक रिपोर्ट निकालो, लेकिन तुम सुनती कहो मानती कहो किसी की। क्यों क्यों? पुलिस वाले मेरे अब्बा लगते हैं क्या? पागल है वो, मेरे सर पे दुपट्टा देंगे, मेरे आंसू पोंछेंगे, अभी पूरी फोर्स को लेके जाके ना अम्मी को सेव करेंगे। पागल है वो। सारा तुम्हारा कसूर है, पागल इंसान। कहाँ जा रही हो? भाड़ में।
देखो बेटा, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। हम सब हमदर्दी के लिए आए तुम्हारी, और ये कोर्ट कचहरी थाना वगैरह यहाँ मेरी बहुत अच्छी वाकफियत है अभी भी। तुम परेशान मत हो, जाओ जाकर अब उसकी बेटी को भी उठा लो, उसको भी बिठा दो हमारे सर पर। गाली दी थी उसने आपको, बांदी बोला था, इसीलिए उठा के लाया था। कब तक यहाँ रखोगे मेरी मर्जी के बगैर मुझे? जिंदगी भर नहीं बर्दाश्त कर सकोगे मेरी नफरत। निशा, ये सब क्या है बेटा? ये क्या उल्टी सीधी खबरें चल रही हैं? सरदार साहब ने ताजवर को हवा करवा लिया? नहीं, झूठ है सब कुछ ये। मैंने तो इस परेशानी में नाश्ता भी नहीं किया, 10 दफा आ चुकी हूँ तुम्हारे दरवाजे पर। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो अपनी मर्जी से गई है। अगर ऐसी कोई बात है तो हमें बताओ बेटा, छुपाओ मत। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपको क्या बताऊं? देखो बेटा, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। हम सब हमदर्दी के लिए आए तुम्हारी, और ये कोर्ट कचहरी थाना वगैरह यहाँ मेरी बहुत अच्छी वाकफियत है अभी भी। तुम परेशान मत हो। अंकल, अगर कोई ऐसी बात होती तो मैं आपको जरूर बताती, लेकिन कोई बात नहीं है। कुछ ना कुछ बात तो है, वरना अखबार वाले ऐसी खबर क्यों देते? पता नहीं, झूठ बोल रहे हैं सारे। किसी भी चैनल पर ये खबर सुनी है? रात से ये खबर चल रही है। क्या बात है अंकल, क्या हो रहे हैं सब? अरे भाई, वो अपनी प्रोफेसर साहब है ना, उनके बारे में खबर उड़ी है कि उनको किसी ने अगवा कर लिया। अरे रात को फायरिंग भी हो रही थी, मैंने कहा भी था लेकिन मेरी बात पे किसी ने तवज्जो तक नहीं दी। वैसे क्या घर से उठा के लेके गए? अरे भाई, इनके मामला है ये, जा हमने अपना फर्ज पूरा कर। सही कह रहे मलिक साहब। आओ चलो। मुझे तो रात में पता चल गया था कि दोनों में कोई चक्कर है, पर ये ही नहीं मान रही थी। हाय, बीबी जान में क्या कमी था जो इससे शादी कर ली खान जी ने? वो पहली बीवी है। हाय, पहली बीवी? हाय बेचारी, इतना बड़ा जख्म कैसे सहेगी? वो तो शुरू से ही सहती आ रही है, पहले कौन सा खान जी उसको मुंह लगाते थे। कैसे सराम को भी बिठा के रख रही थी उसको, अब ये बताओ वो यही रहेगी क्या? हाँ तो और क्या, इतने सालों बाद कब्जा करने ही तो आई है। मैंने सुना उसका एक बेटी भी है। हाँ, वो भी कल आ रही है। अब घर का मालकिन कौन होगा? मालकिन कोई भी हो, लेकिन हमको तो इससे बना के रखना है, क्योंकि ये तो खान जी की मालकिन है ना। तार निकाल दो इसका, कहा ना तार निकाल दो। अब हर कोई उछल रहा है तमाशा देखने के लिए। करो, मुझे देर हो रही है। कर रही हूँ ना, और अम्मी वैसे भी अब मैं 18 साल की हो गई हूँ, मुझ पे ज़्यादा रोब मत चलाया करें। क्या मतलब? मतलब कि अब मैं इंडिपेंडेंट हो गई हूँ, अगर आपने मुझे ज़्यादा डांटा ना तो मैं आपको छोड़ के चली जाऊँगी। और तुमने अगर मुझे तंग किया ना तो मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊँगी।
आप कहाँ जाएंगी? बस कहीं। कहीं का मतलब आपका शोहर तो नहीं है? तुम बोल बोल के ना मुझे वहां पहुंचा के रहोगी। प्लीज जल्दी करो। अम्मी बस प्लीज उधर मत जाइएगा, और आप कहीं भी चली जाए मैं आपके पीछे जरूर आऊंगी। चलो जल्दी करो प्लीज। अच्छा, अच्छा, एक सेकंड। रेडी? जाओ जाकर अब उसकी बेटी को भी उठा लाओ, उसको भी बिठा दो हमारे सर पर। गाली दी थी उसने आपको, बांदी बोला था, इसीलिए उठा के लाया था मैं। उसने बोला और तुमने बना दिया। बांदी तो हम अब बनेंगे फैज। अम्मा मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। क्या करोगे तुम, क्या करोगे तुम? हमारा दिल बदलोगे या अपने बाप का? किसका दिल बदलोगे फैज, किसका दिल नया लगाओगे? अब तुम चाहे उसके टुकड़े टुकड़े कर दो या कब्र बना दो इस घर में उसकी, हमारी हैसियत तब भी नहीं बदलेगी फैज, तब भी हम बांधी रहेंगे, हम बांधी रहेंगे फैज, हम बांधी रहेंगे। तुमने तो हमसे वो खुशफहमी भी छीन ली फैज, हम सरदार जरा खान के दिल पर राज करते हैं, अब तो हमारे पास कुछ नहीं रहा, अब तो हमारे पास कुछ नहीं रहा फैज, कुछ नहीं रहा, कुछ नहीं रहा, कुछ नहीं रहा हमारे पास फैज। उठे क्या कर रही हैं आप, उठे। हमारे पास कुछ नहीं रहा। क्या कर रही हैं? रिश्ते टूटते हैं ना ही खत्म होते हैं, हाँ मगर हालात की सख्ती और सच रवैयों की खजा की वजह से सूखते जरूर हैं। गलती करे हो जरक, वही है ना, वही इज्जत, वही रवायत। यही समझ लो तुम, इस दफा तुम सब कुछ बर्बाद कर दोगे, इतना भी नहीं रहेगा जितना हमारे बीच था। तुम कुछ था क्या हमारे बीच? थोड़ी बहुत इज्जत, कुछ मोहब्बत, थोड़ी यादें, कुछ तो था ना जरक। तो चलो अब गुस्सा नफरत और कब्जे को ऐसा सा बना लेते हैं। कब तक यहां रखोगे मेरी मर्जी के बगैर मुझे? जिंदगी भर नहीं बर्दाश्त कर सकोगे मेरी नफरत? अब तक तो कर रहा हूं मैं। ये नफरत नहीं है, ये मसलहत है। मैं मानती हूं जो तुम्हारे साथ हुआ वो गलत हुआ, ऐसा होता है। औलाद की गलतियां माँ बाप को ही भुगतनी पड़ती हैं। तो फिर भुगतो, शोर क्यों मचा रहे? मैं अपने बेटे की गलतियों का खराज दे रहा हूँ, तुम अपनी बेटी की गलतियों का खराज दो? तुम्हें तुमने अपने वतन अलग कर रही है, ठीक है? बेचारी जरनिका की क्या किस्मत, उसने किस चीज का खराज दिया, उसकी क्या गलती है? तो क्या करूं, क्या करूं, मजबूरी है मेरी। हमारे इलाके में अक्सर रवायतों की भेंट चढ़ती हैं औरतें, इस बार अगर जर निकार चढ़ जाएगी तो क्या फर्क पड़ता है?
बोल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।